लॉ कम्युनिटी की तरफ से जो डेवलपमेंट है वो लॉयर्स कन्वेंशन एक मुनक्द हुआ जी। और उसमें हमारे पुराने लीडर्स भी वो भी तशरीफ लाए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क्यादत जो है वो भी स्टेज पे तशरीफ फरमा थी। तो मैं समझता हूँ कि आइन के हवाले से बात की जिसको हमने 5 तारीख को जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और मुतअद्दिद प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तशरीफ लाए थे, तो वहाँ पे भी हमने एक मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी किया था। अगर उसको भी आप देखें तो ऑलमोस्ट 80-90% मिलते जुलते मामलात हैं। फर्क ये है कि हमने 9 तारीख की स्ट्राइक का अनाउंस किया कि ऑल अक्रॉस द कंट्री 9 सितंबर है उसको तमाम वकला, तमाम बार एसोसिएशन स्ट्राइक करेंगी कंप्लीट और रैलियां भी निकालेंगी। तो उस उन्होंने अपनी तरफ से 14 तारीख दे दी। क्या ये अच्छा होता कि वकला के इतिहाद को मद्देनजर रखते हुए, मैं वैसे एतराज़ नहीं कर रहा, एक ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ कि अगर वो भी 9 तारीख ही रख देते तो एक ज्यादा खूबसूरत। तो ये तारीखों में फर्क है क्यों सर वैसे? मेरा ख्याल है कि कुछ इनफेक्ट नजर जो मुझे आ रहा है कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है आपकी तरफ से उनकी तरफ से। देखिए हमने तो पहले कर दिया ना, और हमारा ये अक्टूबर के एंड में सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे शायद कोई थोड़ी सी अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी और उस हवाले से कुछ है। बहरहाल मैं तनकीद नहीं करता, जो भी है। कल परसों भी जब मैंने प्रेस ब्रीफिंग की तो आपके साफी भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप आपस में आपका जो है वो इतिहाद नहीं है, आप अलग अलग गए, तो मैंने कहा था कि नहीं, जहाँ पे आइन की बात है वहाँ पे हम इकट्ठे हैं और हम एक हैं। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात करता हूँ कि हम जहाँ आइन की बात है वहाँ पे हम इकट्ठे हैं।